बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार, मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक दहशतगर्दी में भारत को सरे फहरिस्त रखा गया। दाइश और भारत का गठजोड़ है, भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी तबाह कुन खतरा है। जलालाबाद में जेल पर हमला, 2019 में श्रीलंका में बम धमाके, 2017 में तुर्की में क्लब पर हमला, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में जो हमले हुए जो बज़ाहिर दाइश ने किए उसमें दाइश और भारत का गठजोड़ था। गुरुद्वारों पर हमले, कश्मीर में भी यही अनासर हैं। तो क्या पाकिस्तान का मौकफ दुनिया अपना रही है और ऐसी रिपोर्ट्स की क्या कोई अहमियत भी है? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जो पैनल मौजूद है उसमें सीनियर सहाफ़ी एडिटर फॉरम राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रोज़नामा 92 न्यूज़ कराची के एडिटर सईद खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, क्या भारत की हैसियत और उसका जो असर और रसूख था क्या वो कम हो रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स क्या खित्ते में या बैनुल अक्वामी सतह पर कोई अहमियत भी हासिल रखती हैं? जी बिल्कुल अहमियत हासिल रखती हैं। देखें, यह रिपोर्ट जो है किसी ऐसी जगह की, अगर ये रिपोर्ट पाकिस्तान के किसी अखबार ने शाया की होती, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल ने शाया की चलाई होती, तो ये कहते कि जनाब ये पाकिस्तान से चूँकि हमारी एक मुहालफत है या पाकिस्तान जो है उसमें हमारे खिलाफ ये सारा कुछ होता है तो इसलिए ये तोसब वाली है या कोई और इससे झूठा करार देते। लेकिन ये जिस अखबार ने, जिस मैगज़ीन ने जहाँ भी यह खबर छपी है वो एक बड़ा इंतहाई जुम्मेदार अदारा है और उस अदारे में उन्होंने बाकायदा कोड किया है। अगर आप पूरी उसको पढ़ें तो आपको नज़र आएगा उन्होंने बाकायदा कोड किया है और उन्होंने ये बात एक वसूख से कही। और आप देखेंगे जिस वक्त ये शाये हुई है, क्या भारत की तरफ से इस पर तरदीद आई? क्या भारत की तरफ से ये कहा गया कि इस पर हम केस करते हैं? क्या भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है? देखें, ये चीज़ें पूरी दुनिया को इलम थी, सबको पता था। क्या अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उनको इलम नहीं था? क्या दुनिया में बाकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का इलम नहीं था? क्या श्रीलंका में जब धमाके होते हैं, उसके जब मुलजम पकड़े जाते हैं, उसके जो ताने बाने मिलते हैं, उस वक्त तो साबित हो गया था, उसने खुद कहा था कि भारत से ट्रेनिंग लेके आया, भारत से किस तरह वहाँ पहुँचा, भारत से उसे क्या क्या सपोर्ट मिलती थी, ये तो उस वक्त भी सारी चीज़ अजा हो गई थी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो भारतीय कौंसलेट हैं उनमें कौन कौन मिलता था? पाकिस्तान के अंदर से भागे हुए तालिबान वहाँ पर किसको मिलते थे? भारत की कौन सी शख्सियत वहाँ मिलती थी? भारत के कौंसलेट वहाँ पे क्या करते थे? दाइश जो है वो अफगानिस्तान के अंदर किस कौंसलेट में जाके होती थी? अफगानिस्तान के अंदर NDS रा और ये मुसाद ये आपस में मिलकर क्या करते थे? दाइश को कौन सपोर्ट करता था? देखिए, आपको याद होगा पिछले दिनों एक और चीज़ आई थी कि जर्मन के एक जर्मन के अंदर भारतीय सफारतखाना जो है वहाँ पर भी एक शख्स पकड़ा गया था कि जो जर्मन के अंदर बाकायदा उन जर्मन के खिलाफ जो है जो कुछ कर रहा था जर्मनी में, वो सारा कुछ आ गया था। अब तो क्लियर हो गया है कि दाइश जिसे मुसलमानों के साथ मुंसिक किया गया, जिसे कहा गया कि ये मुसलमानों की तंजीम है, जिसे कहा गया कि मुसलमान जो है पूरी दुनिया के अंदर दाइश के जरिए ये करना चाह रहे हैं, लेकिन साबित हुआ कि दाइश जो है वो एक मुसलमान जरूर उसमें मौजूद है, लेकिन वो मुसलमान जो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान जो मुसलमानों का नाम, वो शख्स जो मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हैं लेकिन पसे पर्दा उनके भारत है। फिर भारत का इश्तराक किन किन के साथ है? भारत की दोस्ती किन किन के साथ है? भारत किन ममालिक की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ये सब कुछ करता है? अफगानिस्तान के अंदर, शाम के अंदर, तुर्की में, श्रीलंका में, मलेशिया में, पाकिस्तान के अंदर तो वो करते ही करता था। इवन यहाँ तक कि हमारे जो ये आप ले अरब ममालिक जितने हैं उनके अंदर दाइश जो कर रही है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें क्या क्या किरदार है इसका? भारत का क्या किरदार है? भारत वहाँ पे क्या कर रहा है? किस तरीके से दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है? ये चीज़ें तो बिल्कुल वाजे हो गई हैं। और अब इस तीन चीज़ों के सामने आने के बाद अब देखना ये होगा कि वो दुनिया जो पाकिस्तान के अंदर तो पाबंदियाँ लगा देती है एंड यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो फौरी तौर पर जी दहशतगर्दी नहीं भी हुई तो दहशतगर्दों को सपोर्ट की पाबंदियाँ लग जाती हैं, हमारे ऊपर तो तलवार लटकनी शुरू हो जाती है। अब जो सबूत सामने आ गए हैं, अब जो सारी हकीकत सामने आ गई है, तो अब देखना होगा क्या दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वतें जो हैं दुनिया में दहशतगर्दी का खात्मे का जो नाम लेते हैं, अब वो क्या भारत पर पाबंदियाँ लगाते हैं? खासकर अमरीका जो कहता था हम दाइश को ख़त्म करने चले हैं, तो फिर दाइश को लेकर चलने वाले, दाइश को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन होता है? अब इम्तिहान आलमी बरादरी का है। खबर साहब, क्या समझते हैं कि जिसकी लॉबिंग इतनी मजबूत हो, अमेरिका जिसके पुश्त पर हो, अफगानिस्तान हुकूमत जिसके इशारों पर हो, फैटफ में उसका असर व रसूख बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का बयानिया उसके बारे में तब्दील हो रहा है, अब उसको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है? पहली बात तो यह है यासिर के ये कोई नई बात नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है भारत ने हमारा वजूद कबूल नहीं किया और भारत के अलावा जो उसके इतादी हैं वो जो
इस्लाम दुश्मन हैं और इस्लाम को किसी सूरत में फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो इसके ख़िलाफ़ है और उन्होंने हमारे वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया और रोज़ अव्वल से वो साजिशों में मसरूफ़ हैं। ये डॉक्ट्रिन नया है। अभी जो RSS जिसकी बात अभी राना साहब कर रहे थे, ये RSS दाइश डॉक्ट्रिन है जो पिछले 10-15 सालों में अफ़गानिस्तान में पनपा है। आप मुझे ये बताइए कि अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जो सरहद है उस पर 13 कौंसल खाने बनाने का क्या मतलब है? आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकत की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को कुचलना चाहते हैं। आप पाकिस्तान को अपने खुदा न खास्ता तबाह करने के मंसूबे बना रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं। ये आपके ख्वाब कभी तशने ताबीर नहीं होंगे, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने खुल रहा है। ख़ास तौर पर अभी अफ़गानिस्तान में बैठ कर जब भारत ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाकिस्तान में दरअंदाजी करता है और साजिशें करता है और अंदरूनी और दाखिली बहरान पैदा करने की कोशिश करता है, और ऐसे ही ये जो अब RSS जब से इसकी BJP की हुकूमत आई है और मोदी आया है, उसके बाद से RSS और दाइश ने एक इकाई बनाई है और वो मिलकर हमारे कुछ अपने दोस्त नुमा दुश्मन मिलाकर वो उनके साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये आलमी सतह पर आ रहा है, अक्वामे आलम को पता चल रहा है कि भारत दरअसल दहशतगर्द भारत है। पाकिस्तान अमन की बात करता है, पाकिस्तान जियो और जीने दो की बात करता है, पाकिस्तान कहता है कि आप अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन भारत के ऊपर हमारा भूत सवार है, वो हमसे खायफ है। उसको पता है कि ये छोटा सा मुल्क है लेकिन इसके अवाम में और इसके लोगों में और उसके इदारों में इतनी ताकत और कुव्वत है कि ये हर महाज पर भारत को शिकस्त फाश दे सकते हैं। इसलिए वो आलमी सतह पर ये साजिशें बुनता है, और ये जो अभी रिपोर्ट आई है ये उसने मोदी को, भारत को और RSS दाइश डॉक्ट्रिन को बेनकाब कर दिया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोगों को बोलना पड़ेगा, लोग अगर बात नहीं करेंगे तो उन पर उंगलियाँ उठेंगी कि आप हर पाबंदी हम पर लगाते हैं, आप हमें कभी इस्लामोफोबिया का शिकार होकर हम पर उंगली उठा के कहते हैं कि हम दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। असल दहशतगर्द तो आप हैं, आपने दुनिया के जीना हराम कर रखा है। आप अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा ऐसी साजिशों पर खर्च करते हैं कि जो पाकिस्तान को और इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुंचाने और उनके इत्तेहाद को पारा पारा करने की तरफ जाता है। तो अब देखना ये कि हुकूमत इस पर क्या, जो दुनिया है, दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे जिनमें बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी हुकूमतें इस पर क्या रिएक्ट करती हैं? भट्टी साहब क्या समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का ये जो जरीदा है, इसकी जो रिपोर्ट है, इसे बहुत हद तक मुस्तनद माना जाता है और किसी हद तक इसे अमरीकी हुकूमत का मौकिफ भी माना जाता है, तो क्या समझ रहे हैं कि अमरीका का कोई मौकिफ इस पे सामने आएगा या फिर खामोशी इख्तियार की जाएगी और भारत के लिए एक तंबीह है? यहाँ से देखिए, अमरीकी जरीदे की इस रिपोर्ट ने भारत के घिनौने चेहरे को और उसके मकरूह जो उसको खेल जारी था कई दहाइयों से, उसको बेनकाब कर दिया है। वो तमाम तर इल्ज़ामात जो आज गुज़श्ता 20 सालों में बिलखसूस पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक पर आयद किए जाते रहे, अब वो एक मौक़र जरीदे ने वो तमाम तर चीज़ें बहुत वाज़े एक बैकग्राउंड के साथ भारत के हवाले से मंजर आम पर लेके आया है। उसके लिए ज़रूरी है यकीनी तौर के ऊपर कि अमरीकी सदर से लेके उनकी जो स्टेट ऑफिस की उनके तर्जमान है, जब वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर कॉमेंट करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर इस जरीदे की जो कापियाँ हैं और इस जरीदे से जो उसके मंदर जाते हैं वहाँ तक पहुँचने चाहिए, इसलिए कि भारत ने इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लिए बेपरा माजी में मुश्किलात पैदा की, बिलखसूस FATF के फोरम पर। अब जब बहुत चंद हफ्तों के बाद FATF का इजलास भी होना है तो पाकिस्तान के लिए भी एक ये मौका यकीनी तौर पर बेहतर होगा कि अब इन तमाम तर चीज़ों को उस FATF के फोरम के ऊपर भी भरपूर तरीके के साथ परसू किया जाए। और अच्छा इकदाम ये है जो इस मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान पहले ही FATF की तमाम तर शरायत को पूरा कर चुका है और उसके बाद अब पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो इस मौके के ऊपर इस अमरीकी जरीदे की ये रिपोर्ट जिसने भारत के चेहरे को बेनकाब किया है, तो बड़ा तकवीत मिलेगी पाकिस्तानी मौकफ़ को अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालने में। और भारत जो वहाँ पर रुकावटें खड़ी करता है, भारत जो वहाँ पर लॉबिंग करता है,
जिन इल्ज़ामात की जो दहशतगर्दी की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता है, अब वो तमाम तर इल्ज़ामात उसके खिलाफ लगे हैं। लेकिन इसके साथ इस अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के बाद अक़वामे आलम के अलावा जो वो मुस्लिम ममालिक जो इस भारत के बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर बने हुए हैं, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जो इस अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट ने जिस तरीके के साथ हकायक मंजर आम पर लेके आया है, उन ममालिक को भी अपने जो उनके जो अपनी खारजा पॉलिसी के तहत अपने तल्लुकात के ऊपर रिव्यू करना होगा। इस रिपोर्ट के बाद उन ममालिक को भी भारत के साथ आवाज़ उठाना होगी कि भारत ये सिलसिला तर्क करे, और उसके साथ साथ बिलखसूस ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो कश्मीर के अंदर मासूम कश्मीरियों के ऊपर ज़िंदगी के दायरा तंग किया गया है, उस हवाले से अक़वामे आलम के अंदर पाकिस्तान और दीगर दोस्त मुस्लिम ममालिक अपना केस बिल्ड करे, तो यहां से भारत के लिए दुनिया भी उसके ऊपर अपना रोल प्ले कर भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। राम साहब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले केस को आगे लेकर चले। एक छोटा सा कमेंट, जैसा कि भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि फेटफ में मामलात उठाए जाने चाहिए, कुछ ही दिनों बाद फेटफ का फैसला सामने आएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया या नहीं। ऐसे वक्त में यह रिपोर्ट मंजर आम पर आती है, और इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बात वाजे हुई थी कि भारत के बेशतर बैंक ऐसे हैं जो बैरून ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए और अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो क्या भारत को फेटफ में किसी मसले का सामना हो सकता है, या उसका अभी भी नेक्सस इतना मजबूत है कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल भारत को कोई फर्क पड़ने वाला, हकीकत पे हमें जाना चाहिए। देखें, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किसकी है, भारत के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो किन ममालिक की है, और उन ममालिक का जो है वहाँ पे क्या किरदार है, हमें यासर इस किरदार को नहीं बोलना चाहिए। किसको नहीं पता भारत क्या हो रहा है? देखें, दुनिया में सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भारत में होती है। आपको पता, आपने पैसा पूरी दुनिया के अंदर लेना देना हो, पैसे को ब्लैक तरीके से लेकर जाना हो, वाइट करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए भारत के अंदर ये सब कुछ होता है। और दुनिया के सबसे बड़ा जो डॉलर्स पाउंड इस हवाले से जो पैसे को लेन देन है वो भारत के ज़रिए होता है, यानी भारतीय माफिया वहाँ पर मौजूद है, हकूमत उसमें इन्वॉल्व है, एजेंसियाँ उनकी इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन बदकिस्मती आप समझ लें ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी कुव्वतें इसलिए खामोश हो जाती हैं कि उन ममालिक की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन आज एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई, अब जिस तरीके से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, पहले आवाज़ें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से उठती थी, अब आवाज़ें पूरी दुनिया के अंदर से उठना शुरू हो गई हैं, अब पूरी दुनिया का मीडिया जो है भारत की इन हरकत को सामने लेकर आ रहा है। हाँ, अगर पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम वाले पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और सब ने एक जवान होकर इस पर आवाज बुलंद की, तो बिल्कुल फिर सूरत भी तब्दील होगी, और खासकर अरब ममालिक जो इनकी सपोर्ट में है, अगर वो उन्हें समझ आना चाहिए कि अरब ममालिक के अंदर सबसे बड़ी दहशत गर्दी की वारदातें दाइश कर रही है, और जब दाइश वारदातें कर रही है तो दाइश के पीछे कौन खड़ा है? हम दहाइयों से ये दुहाइयां दे रहे हैं कि भारत मकरूह मनसूबाबंदी करता है, साजिशी अनासिर है, खित्ते में बदमनी फैलाना चाहता है, लेकिन हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाती थी। अब पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो दुनिया तस्लीम कर रही है, किसी हद तक भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। अब उन ममालिक को सोचना चाहिए जो अमन का दावा करते हैं, उन वाली को सोचना चाहिए कि खत्ते में बदमनी कौन फैला रहा है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिव मूवमेंट की, जिसके कुछ दिनों बाद जलसों का आगाज़ होने वाला है। अब जो महवर बुनियादी तौर पे समझा जा रहा है वो तो पंजाब को समझा जा रहा है, दूसरी जानिब सिंध में क्या तैयारियां हैं? ये दो सूबे हैं जहां पर तहरीक ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। अब सिंध और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, अगर अपोजिशन जमातों का अहाता किया जाए तो। इन दोनों जमातों का क्या कोई क्लैश भी हो सकता है, और वफाकी हुकूमत में बैठे हुए अपोजिशन के जो अराकीन हैं वो क्या राय रखते हैं, उनकी क्या सोच है, किस तरीके से तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए, सारे मंजरनामे पर बात करेंगे। सबसे पहले खावर साहब की जानिब बढ़ूंगा। खावर साहब बात करते हैं सिंध के जलसों के हवाले से, कराची में पहला जलसा है, क्या कोई क्लैश हो सकता है? और अगर दीगर जलसों की तारीखों पे नजर दौड़ाएं तो ज्यादातर जो जलसे हैं वो पीपल्स पार्टी के मखसूस दिनों पे हैं, जो वो यौम तासीस के तौर पे मनाते हैं या मोहतरमा की शहादत के दिन को मनाते हैं, तो उन तारीखों पे वो जलसे रखे गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में इन तारीख पे भी कोई एतराज़ात हो सकते हैं, तहफ़ुज़ात हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि PDM एक वजूद में तो आ गया, एक ऐसी मूवमेंट उन्होंने बनाई है कि जो हुकूमत को गिराने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जितनी जमातें भी शामिल हैं उन्होंने अपने अपने आज़ाफ़
सेट कर रखे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी है, वो सिंध में हुकूमत करती है, इसलिए वो इस्तीफ़ों से लीत लाल से काम लेती है। नून लीग समझती है कि इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जबकि JUI जो खाली हाथ है वो समझती है कि फौरी तौर पे हल्ला बोल देना चाहिए और असम्बलियों से इस्तीफ़ा देकर हुकूमत को चलता करना चाहिए। इस वक्त जो जलसों की सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि अपनी हिकमत अमली की वजह से कामयाब रही है कि उसने पहला जलसा 18 अक्टूबर को है, ये वो दिन है जब सानिया कारसाज हुआ था, बीबी वापस आई थी जलालतनी ख़त्म करके और कहा गया था कि एक मुआहदे की वजह से वापस आई है, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने उस मुआहदे से रूगर्दानी की थी, तो उन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि हमला हो गया कारसाज पे, बहुत बड़ा जुलूस था, उन लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। तो दूसरा जो जलसा है वो एक क्वेटा में है, क्वेटा वाला 25 अक्टूबर को है, उसमें आजमाइश है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की और JUI की, वो उसके पावर बेसिस हैं, सिंध पीपल्स पार्टी का पावर बेस है, और उन्होंने एक ऐसे जगह का इंतखाब किया है जिना जिसकी इजाज़त जो जिसकी इजाज़त वफाक को देनी है जलसा गाह की, क्योंकि वो कायद अजम म्यूज़ियम और उसके मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर आता है जो शफकत साहब की वजारत में आता है। सही। तो अब देखना यह है कि अगला जलसा जो है, फिर उन्होंने 30 मुल्तान में रखा है, मुल्तान वाला जलसा जो है वो 30 नवंबर को है, 30 नवंबर पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, फिर 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा रखा गया है, 27 दिसंबर का जलसा जो है वो बीबी की शहादत के दिन, यकीनन इन जलसों में आवाम उमट कर आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मुख्तलिफ सूबे के मुख्तलिफ लोग बीबी की शहादत पर अफसरदा हैं और वो उनसे प्यार भी करते हैं, तो पीपल्स पार्टी अपने त्यौहारों को कैश कराकर इसको मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें एक बात है कि समझा जा रहा है कि अभी इतलात हमें मिली हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ इस जलसे में नहीं आ रही, और मैं समझता हूं कि अगर मरियम नवाज़ कराची के जलसे में नहीं आई तो फिर PDM के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो खुल कर सामने आएँगे कि आप अपने पत्ते शो क्यों नहीं कर रहे, JUI क्या चाहती है। JUI ने अभी कल ही इतफाक़ से मैं वहाँ मौजूद था और मेरी मौजूदगी में JUI का एक नुमाइंदा वफ जो है राशिद महमूद सोमरो साहब की क्यादत में, असलम गौरी साहब की क्यादत में वहाँ मिला है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के साथ, और उन्होंने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि ये सारे जलसे जो हैं सिंध में ये पीपल्स पार्टी कैश करना चाहती है। यकीनन वो कैश करेंगे, जब उन्होंने अपने त्यौहारों पर जलसे रखे हैं तो वो उनके रिवायती इवेंट हैं, उसमें लोग आते हैं, लोग अपनी अपनाइयत का सबूत भी देते हैं, और लोग आके वहाँ पर बीबी की शहादत को खराज अकीदत भी पेश करते हैं। तो अभी ये देखना ये होगा कि इन जलसों में अगर ये पीपल्स पार्टी कामयाबी से इन जलसों का इनेकाद करा लेती है तो मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी का एक कामयाबी का एज होगा, और वो ये अलग बात है पंजाब में जलसे कहाँ होने हैं, उन्होंने जितनी जगह चुनी हैं ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने अपने त्यौहारों पर चुनी हैं, इन त्यौहारों पर उनके हमेशा, यानी अगर मरियम नवाज साहिबा कराची के जलसे में नहीं जाती तो फिर अंदरूनी तौर पे एतराज़ात भी सामने आ सकते हैं, खलफचार का शिकार भी हो सकती है ये मूवमेंट। राणा साहब, अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में सूरत हाल ये है कि गुजरांवाला का जो जलसा है उस हवाले से अभी तक के जो बयान हैं उससे सूरत हाल कुछ वाजे होने लगी है कि जलसा होगा किस तरह का। पहले अपने नाज़रीन को साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर आज़म के बयान सुनवाते हैं, फिर इशू पर मज़ीद बात करता हूं। आपको निकलना होगा और खानापुरी के लिए नहीं, अगर लाठी पड़ेगी तो पहली लाठी आपको लगनी चाहिए, अगर आंसू गैस चलेगी सबसे पहले आपको खानी चाहिए, अगर पत्थर मारना पड़े सबसे पहला पत्थर आप मारेंगे। 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के, इंशाल्लाह ताला जब नुक्ताए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है। तो नाज़रीन, ये लाहे अमल इससे कुछ वाजे हो रहा है। राणा साहब, जो है गुजरांवाला का जलसा उसमें असल होगा क्या? शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अगर बयान देखा जाए
तो एक लीडर ये होता है कि सबसे पहले लाठी मैं खाऊंगा, सबसे पहले पत्थर जो पड़ेगा वो मैं सामने आऊंगा, गोली चलेगी तो मैं सामने आऊंगा। यहाँ पे ये कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पत्थर पड़ेगा, लाठी पड़ेगी तो वो सबसे पहले आप खाएंगे। ये अंदरूनी तौर पर मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली क्या तरतीब दी है गुजरांवाला जलसे की? देखें यासर, ये दो जो तकरीरें हमने सुनाई हैं, इन दो तकरीरों में एक बहुत क्लियर वाजे हो गया, बिल्कुल वाजे हो गया। ख्वाजा आसफ की तकरीर का पहले मैं हवाला दे देता हूँ। उन्होंने आखिर में एक लफ्ज़ कहा है जो पाकिस्तानी कौम को, सियासी जमातों को और हमें और मीडिया को समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब कि मैं देखूंगा फिर सेनेट का इलेक्शन कौन करवाता है। आपने एक लफ्ज़ सुना ना कि हम देखेंगे फिर सेनेट का इलेक्शन कौन करवाता है। ऐलान जंग भी ऐलान, उन्होंने ऐलान जंग का भी ऐलान किया। मुझे बताएं इसका मतलब ये सारी तहरीक जो है सेनेट का इलेक्शन रोकने के लिए है? क्या ये सारे इस्तीफे सेनेट का इलेक्शन रोकने के लिए हैं? फिर ये अवाम के लिए जो आप ये कह रहे हैं कि ये महंगाई के खिलाफ हैं, जो आप कह रहे हैं कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें इस हुकूमत का रहना जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, तो असल बात तो मुंह पे आ गई ना, असल बात तो कर दी उन्होंने कि सेनेट के इलेक्शन ही होने देने, और कोई तकलीफ नहीं है। ना अवाम की महंगाई की तकलीफ है, ना उन्हें किसी और चीज़ की तकलीफ है, ना मौशियत की तकलीफ है, ना किसी और चीज़ की है। सिर्फ तकलीफ क्या है कि सेनेट के इलेक्शन ही होने देने। ये तकरीर मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसफ साहब के अपने अल्फाज हैं, आप दोबारा भी सुन सकते हैं इसे। उसके बाद आप आ जाए शाहिद हकान अब्बासी। शाहिद हकान अब्बासी साहब ने वाजे कहा, बाकी छोड़ दें सारी चीज़ें, कि पत्थर आपने क्या खाना है, आपने किस तरह निकलना है, आंसू क्या। एक लफ्ज़ बड़ा खौफनाक है इसमें, बहुत खौफनाक लफ्ज़ है, वो क्या है? वो इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर उधर से पत्थर आए तो फिर आप जवाब देंगे, ये बिल्कुल लफ्ज़ नहीं है। ये लफ्ज़ भी इसके इस तकरीर के इस लफ्ज़ को भी मैं चाहूँगा कि दोबारा आप ज़रूर सुन लें उसमें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पत्थर पहला आपने मारना है। इसका मतलब है जिस तरह नैब के ऑफिस फूलों के शॉपर्स में पत्थर गए थे, नहीं मैं आपको आज बता ही देता हूँ, ये फैसला हो गया है कि हर सूरत में इस गुजरांवाले के इवेंट को पुरतशद्दुद करना है। तो इसमें सिर्फ उसमें होगा क्या, नून करेगी? नहीं, मुस्लिम लीग नून भी करेगी, साथ कुछ इत्तेहादी भी होंगे। अच्छा। सारी प्लानिंग हो चुकी है। शादरे में किस जगह पत्थर और अंडे और डंडे ये मौजूद होंगे, कामोकी में किस जगह मौजूद होंगे, गुजरांवाला में किस जगह मौजूद होंगे, लाहौर से निकलते वक्त किसकी गाड़ी में क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से जानबूझकर किस तरीके से पुलिस के साथ फड्डा किया जाएगा, किन किन कारकुनों को क्या क्या ड्यूटियां दी गई हैं। याद है ना आपको पिछले दिनों एक जाति उम्रा में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कहा गया जनाब के थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये होंगे नौजवान जिन्होंने मूवमेंट को किस तरह चलाना है। ये बाकायदा उनकी अपनी प्रेस रिलीज भी आई जनाब। ये पूरी तैयारी हो चुकी है, इस तैयारी के तहत इन्होंने हर सूरत में फड्डा डालना है। फड्डा डालेंगे तो लीड सुपर लीड बनेगी ना, फड्डा डालेंगे तो सारा दिन टीवी पे चलेगा ना, फड्डा डालेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक जब ये तासर किस तरह जाएगा कि जाति उमरा से निकलने वाला जुलूस रात गए तक गुजरांवाला नहीं पहुंचा, ये किस तरह चलेगा कि रास्ते में फलां जगह पे फलां हुआ। जब तक आप क्लैश नहीं करते तो आप बड़ी खबर नहीं बनती। तो इन्होंने बड़ी खबर बनाने के लिए, अपने आप को मजलूम बनाने के लिए, हुकूमत को जालिम बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की है। और मैं आपको ये वसूख से नहीं कह रहा, सबूत से बात कह रहा हूँ, मेरे पास जो मेरे ज़राए कह रहे हैं। और ये बात तो अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म बड़े मोतबर शख्स हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अब तो उन्होंने भी कह दिया ना कि पहला पत्थर आप मारेंगे, इसका मतलब है पत्थर साथ होंगे ना, इसका मतलब है डंडे पास होंगे, सारा कुछ होगा। तो यासर ये प्लानिंग हो चुकी है, इस प्लानिंग के तहत सब कुछ किया जाएगा। मैं आगे भी आपको बता दूँ, हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि वो इन्हें फ्री हैंड देगी। चलें ये इस पे बाद में बात करते हैं कि हुकूमत इनसे किस तरीके से निमटेगी और हुकूमत की हिकमत अमली इस पर क्या होगी। भट्टी साहब की जाने बढ़ते हैं। भट्टी साहब, आप बैठे हुए हैं शहर इक्तदार में, क्या समझते हैं कि ये तो बाद में देखते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है, सिंध के जलसे ज़्यादा तहरीक को मजबूत कर सकते हैं या पंजाब के जलसे ज़्यादा कर सकते हैं या कोई भी जलसा नहीं कर सकता? या से देखिए, जो पीडीएम की फॉर्मेशन है और जो मतलूबा नतायज हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उसकी साख्त को मद्देनजर रखें तो उसका अंदर लीडिंग रोल जो प्ले कर रही है, जो लीडिंग रोल पे रहते जो मेन ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहती है, वह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसके बाद देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत एक्टिव उसके अंदर दिखाई देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मजबूरन उसका हिस्सा तो बन गई, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ेगा उसकी निशानदेही तो ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही कर चुके कि हमें उनके ऊपर एतबार नहीं है, वो किसी भी वक्त उस सारे सीन से गायब हो सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस वक्त समझा कि उनके ऊपर जितना मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, फेक बैंक अकाउंट्स
और दीगर रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद हो रही हैं, उनके पास अवाम के सामने सुरखरू होना तो दूर की बात, अवाम में अपनी एग्जिस्टेंस को इंटैक्ट रखने के लिए कोई उन्हें ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। वो फिल वक्त तो इस प्लेटफॉर्म को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, और जैसा कि अभी आप हमने सुना कि वो सिंध के अंदर उन्होंने जिन जलसों को प्लान किया है वो इस तरीके से किए जहाँ पे उनके अपने ऑलरेडी प्लान उनके बड़े इवेंट होते हैं उन तरीक़ों में किए हैं, ताकि हम कोई ना कोई बात करने की पोजीशन में हों। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसके बाद रह जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और किसी हद तक मौलाना फजल रहमान साहब। अब ये अगर जलसे करते हैं और जिस तरीके से शायद खान अब्बासी साहब ने निशानदही की है, तैयार किया लोगों को पूरी एक फ़ज़ा ख़राब करने के लिए, तो उसके अंदर बड़ी एक अलार्मिंग बात यह भी है कि अवाम इस मूव को डिस्करेज कर सकते थे, ये कर सकते हैं, ये क्या करेंगे वो आने वाले दिनों में साबित होगा। उसके लिए अगर अवाम ऐसे मूवमेंट को, ऐसी तहरीकों को रिजेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो वक्त की हुकूमत वक्त होती है वो कमिटमेंट के मुताबिक अवाम के लिए कुछ ना कुछ कर चुकी हो, कुछ बड़े मंसूबे कर चुकी हो। कोई जो तब्दीली का आलम उठा के निकली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो अब खुद पुरानी रस्मों पर चल निकले। तो ऐसे मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून तो इस वजह से एक एडवांटेज मिलेगा, जो हुकूमत के कुछ मशीरों की अपनी नलायकियाँ हैं और जो उनकी कारकर्दगी है। अब चूँकि हुकूमत में रहते हुए आप बयानबाजी से सिर्फ काम नहीं चला सकते, तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज यकीनी तौर के ऊपर नून लीग को पंजाब में मिलेगा, जो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एंड रिजल्ट किसी सूरत ये नहीं होना चाहिए कि हम सियासी जिद और अना की खातिर कि हमने सेनेट की इलेक्शन नहीं होने देने, पीडीएम को प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ करना है। तो ये मेरे ख्याल में आप जमहूरियत के साथ नहीं, जमहूरियत के साथ बेहतरी नहीं बल्कि जमहूरियत को डैमेज करेंगे अगर इस इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पहले आपने आवाम का जिक्र किया कि आवाम को फैसला करना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो बयान दिया है उसके मुताबिक उनकी आवाम से ये अपील है कि आप इनसे पैसे भी लें, आप कीमे वाले नान भी खाएं, लेकिन खा पी के घर में बैठे रहें, इनके जलसों में ना जाएं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इन जलसों से निपटने के लिए क्या तैयारियां किए हुए हैं, इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक राणा साहब। राणा साहब, अब बताएं कि हुकूमत इन जलसों से किस तरीके से निमटेगी। एक जानब अपोजिशन ये कहती है हुकूमत के पसीने छूटे हुए हैं, दूसरी जानब हुकूमत ये कहती है जल्द ये जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होने वाला, इवन वज़रा ये कहते हैं जलसियाँ इन जलसियों से हमें कोई मसला नहीं होने वाला, लोग आएंगे ही नहीं। उनके मुताबिक ये जो ट्रेलर लाहौर में दिखाया गया था उस ट्रेलर से तहरीक का हमें अंदाज़ा हो चुका। देखिए, यहाँ से जलसे होंगे, बड़े जलसे होंगे, बड़ी रैलियाँ होंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर कभी बड़े जलसे बड़ी रैलियों से हुकूमतें गई हैं? अगर हुकूमतें बड़ी जलसे और बड़े रैलियों से जाती तो इमरान खान जो हैं वो पहले दिन ही अब हुकूमत को गिरा चुके होते और ताहरुल कादरी भी गिरा चुके होते। इससे पहले मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ट्रेन मार्च भी दे चुका हूँ, मैं उनकी बहुत बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के ख़िलाफ़ जो तहरीक उनकी चलती थी तहरीक निजात, मैं वो भी देख चुका हूँ। हम सब देख चुके हैं ना, हमें पता है तहरीकों से हुकूमतें नहीं जाती। देखें, ये तहरीकें जो होती हैं ना, ये वो हिसाब होता है कि मदारी आया, उसने तमाशा किया चंद मिनट, चंद दिन या कुछ लम्हे के लिए तमाशा डिस्कस होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, कोई नया इशू आ जाता है। ये इसी तरह होगा। क्या ये जलसे रोज़ाना की बुनियाद पे हैं? एक जलसा पंजाब में है तो अगला सिंध में है, सिंध के बाद फलां जगह पे है, सिंध में जीए भट्टो होगा, पंजाब में मियां नवाज शरीफ होगा, और जब आप बलोचिस्तान जाएँगे तो वहाँ पर मौलाना फजल रहमान की जय जय होगी। तो ये सारे जो है एक हंडिया में ना काफ़ी कुछ पक रहा है, और इसका जो सालन होगा ना वो किसी को पसंद नहीं आना। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, मैं खुद रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती। अब हुकूमत ने क्या फैसला किया है? हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इन लोगों को इजाज़त दे देंगे, इजाज़त देने के साथ SOPs के मुताबिक लेटर भी साइन करवा लिया जाएगा, और फिर इनके क्लैश की पॉलिसी जो है उससे बचने के लिए पुलिस ज़रूर तैनात होगी, लेकिन पुलिस किसी जगह इनको रोकेगी नहीं, पुलिस इनको खुला रास्ता देगी, पुलिस इनको सब कुछ कहे कि भाई आप जाने दें। ये फैसला हो चुका है जो इनका जहन है उस जलसे से पहले तू तरार चलती रहेगी, ये सारा कुछ चलता रहेगा हुकूमत की तरफ से भी इनकी तरफ से भी, लेकिन हुकूमत इन्हें किसी किस्म का डिस्टर्ब नहीं करेगी। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से इनको बता दिया जाएगा आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अपोजिशन का जो एक ये कहना है कि गिरफ्तारियाँ पकड़ दकर और दीगर मामला, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा, मैं एक खबर ब्रेक कर दूँ, ये ज़रूर चेक हो रहा है
और ये बड़े मोतबर ज़राए चेक कर रहे हैं कि इतनी बड़ी फंडिंग इस जुलूस रैली जलसों की, इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से आ रही है और उस फंडिंग को किन के ज़रिए लाया जा रहा है और ये फंडिंग कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी, कौन कौन कर रहा है और क्या इन जलसे जुलूसों की आड़ में कहीं स्मगलिंग की गाड़ियाँ नहीं होती जो नॉन कस्टम पेड होती हैं, ये किसी और सूबे से पंजाब में तो नहीं आएंगे। चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। भट्टी साहब, आप तो शहरी इक्तदार में बैठे हैं, सरगोशियाँ भी यहीं से शुरू होती हैं, ऐलानात भी फिर यहीं पर होते हैं, तो क्या समझते हैं कि वाकई जो हुकूमती अराकीन हैं वो परेशान नहीं है या फिर ऐसी सरगोशियाँ चल रही हैं? क्योंकि NCOC ने जो आज हिदायत जारी की उसके मुताबिक बड़े जलसे नहीं हो सकते, अगर होने हैं तो SOPs पर भरपूर अमल दरामद होगा, इशारे क्या हैं? जैसे देखिए, जो NCOC की इंडिकेशन सामने आई हैं उसके मुताबिक और बिलखसूस जब आगे मौसम सरमा की अब शिद्दत बढ़ेगी तो ऐसे तनाजुर में ऐसे बड़े जलसे करना एक बड़ा चैलेंज होगा यकीनी तौर के ऊपर। जैसा कि अभी हम शादी हॉल्स की बात करें जहां पर 300 लोग एक हॉल के अंदर, या अगर आप इंडोर कर रहे हैं 300 लोग मैक्सिमम आप बिठा सकते हैं, आउटडोर कर रहे हैं तो 500 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। तो आप बड़े जलसे जब करने जा रहे होंगे, बिलखसूस अगर हम नवंबर की बात करें, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लगता यह है कि आने वाले महीनों के अंदर NCOC की रेकमेंडेशन की रोशनी में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें कोरोना से बचाव के लिए अपनी SOPs को टाइट करती जाएंगी। तो ऐसे मौके के ऊपर कोई बड़ा जलसा करना शायद एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके के साथ अपोजिशन भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैकडोर रबते करके अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस कर रही है, उसी तरह हुकूमत के पास भी अपने कार्ड्स मौजूद हैं। तो देखना होगा कि क्या कोरोना इनके जलसों के लिए कोई बड़ी रुकावट बन सकता है, जो कि मुमकिन तौर के ऊपर बनता दिखाई दे रहा है। और उसके साथ जो बैकडोर मीटिंग्स आ रही हैं वो नवंबर दिसंबर में जाके क्या रंग इख्तियार कर सकती हैं, उसका भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट कुछ वक्त के लिए अभी इंतजार करना होगा जिससे मंजरनामा वाजे हो सकता है। खावर साहब, जैसा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा अपना मंशूर है, मौलाना का अपना मंशूर है, वो अपनी सियासत करेंगे, हम अपनी सियासत करेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में ये जो अपनी अपनी सियासत है इससे कोई क्लैश पड़ जाएगा या फिर ये इत्तेहाद कुछ ऐसा मजबूत है कि हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाएगी जो तहरीक को मजीद मजबूत कर सकती है? यासर, ये तो होना है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये मुख्तलिफ़ ख़याल जमाते हैं और इनके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मंजिलें हैं और उसके लिए ये काम कर रही हैं। अभी जब ये मूवमेंट बनी थी तो किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी में क़ियादत की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मौलाना फजल रहमान को आगे किया गया कि वो फ्रंट फुट पर लड़ने की सलाहियत रखते हैं तो इनको आगे किया जाए। और दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि स्टेक होल्डर भी हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि मुझे इलेक्शन से दूर रखा गया। तो बात यह है कि ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें अभी से इनकी जो अंदर की मुलाकातें हैं, जो बैठते हैं बंद कमरों में बातें होती हैं वो बाहर आती हैं तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनती हैं कारकुनों के लिए भी और लोगों के लिए भी। वहाँ से बड़ी खबरें मिलती हैं कि ये किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये अपनी इन तमाम नाकामियों के बावजूद अपोजिशन की जमातें जो है वो हुकूमत को कोई ऐसा हंसने का मौका नहीं देना चाहती कि वो कह सकें कि भाई अपोजिशन मुत्तफिक नहीं है या मुत्तहद नहीं है। अभी कराची में भी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस तरह के आपस में रबते हो रहे हैं तो पंजाब को छोड़कर ताकत का मुस्तकर बनाने की कोशिश की गई है सिंध को, ताकि सिंध पीपल्स पार्टी का पावर बेस है, यहाँ से एक मोमेंटम बनाकर बलूचिस्तान में जाएँ, फिर उसके बाद मुल्तान में जाएं, फिर उसके बाद हम जाएं लाहौर में और फिर पंजाब में जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये SOPs के हवाले से जो बात हो रही थी, लोग बड़े मोहतात रवैये इख्तियार करेंगे और इनके जलसों में चले देखते हैं कि पंजाब से जब आगाज़ हो रहा है तहरीक का तो क्या पंजाब से आगाज़ करने के बाद सिंध को बतौर तहरीक के आगे माखज़ चुना जाता है या फिर वापसी पंजाब में ही होती है? ये तो अब आने वाले दिनों में ही वाजे हो पाएगा, हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई, इतफाक किस पर किया गया। नाज़रीन, वफाक और सिंध के जारी करदा मनसूबों और सिंध और पंजाब की पानी की लड़ाई पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, सूबों के माबैन पानी का तनाज़ा है। सिंध और पंजाब के माबैन ये तनाज़ा है। 30 साल से ये तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अभी तक ये तनाज़ा हल नहीं हो सका। इरसा भी इसमें किरदार अदा नहीं कर सका। अटर्नी जनरल की सरबराही में कायम कमेटी जो है, उससे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर वज़राए आला को अलग कर दिया गया। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नई कमेटी की तश्कील के लिए चारों वज़राए आला को ख़त लिख दिया है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? आखिर सूबों की ये लड़ाई कब ख़त्म होगी? सिंध विफाक से लड़ता है, जारी मनसूबाबंदी पर लड़ता है, कभी मिल्कियत के हवाले से लड़ता है। सिंध और पंजाब में लड़ाई होती है, कभी गंदम की फरामी पर होती है, कभी पानी की तकसीम पर होती है। भट्टी साहब, ये कहानी असल में है क्या, और 30 साल से जारी ये जो क्लैश है, ये कब खत्म होगा? अब की बार जो पेशरफ्त हो रही है, उसमें क्या कोई मुस्बत इशारे दिखाई दे रहे हैं? यासर, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सूबों के बगैर पानी की तकसीम का तनाजा गुजर 30 साल से जारी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुखालफत रहती है सिंध और पंजाब के मबैन, और उसके बाद गुज़िश्ता कई सालों से अब बलूचिस्तान ने भी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं कि बलूचिस्तान के हिस्से का पानी सिंध के बासर वडेरे जागीरदार चोरी कर लेते हैं और बलूचिस्तान में आखिर एंड तक पानी नहीं पहुँचता। इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 20-30 सालों में दुनिया ने भी बहुत तरक्की की, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा तरक्की सामने आई, जिद्दत आई। उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम टेलीमेट्री सिस्टम कहते हैं, जो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर दरियाए सिंध में अपस्ट्रीम तरबेला डैम आप तनसीब कर सकते हैं कि दरियाए सिंध में पानी का फ्लो क्या है, डाउनस्ट्रीम तरबेला डैम और दरियाए सिंध में पंजाब में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वो सिस्टम तनसीब करके रियल टाइम आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे किसी से एक सूबे को भी एक क्यूसिक पानी की भी शिकायत का जो शिकायत है उसका अजाला हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से 2002 के बाद इसके लिए काविशें शुरू हुई, टेलीमेट्री सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट लगा, नाकाम हो गया, दोबारा लगाने की कोशिश की गई, नाकाम हो गया। कुछ माह कबल दोबारा टेंडर हुआ वर्ल्ड बैंक के तावन से, पैसे वर्ल्ड बैंक ने फराहम करने थे 805 मिलियन रुपये, लेकिन एक मरतबा फिर ये मनसूबा तनाज़े का शिकार हो गया, चूँकि वजारत आबी वसाइल के अंदर कुछ मौजूद एक ऐसी अफसरान ने कुछ एक ऐसी कंपनी जिसका नाम एम एम पाकिस्तान है, उसको ये ठेका देने की कोशिश की, जिसके खिलाफ पंजाब हुकूमत का डिपार्टमेंट महकमा पाशी खत लिख चुका था कि हम इसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है जो कुछ इसने पंजाब में किया है। इरसा के हुकाम ने वो प्रोजेक्ट उसको देने से इनकार किया। एक और लॉबी दरमियान में टपक पड़ी, जो कि डेपुटेशन पर आए हुए एक अफसर हैं मेहर अली शाह साहब, ये हम दस्तावेज़ की रोशनी में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पहली कंपनी तो क्वालिफाई नहीं कर रही, ये मेरे जो पेरेंट कंपनी है नैस पाक उसको दे दें। इरसा ने मुखालफत की कि कल नैब की हमें पेशियाँ भुगतना पड़ेंगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और कैबिनेट ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहाज़ेब खान साहब की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी कॉपी दी लास्ट आवर को मसूल हुई है। उन्होंने कहा कि पूरा इरसा ही फारिग है, नहीं इनकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा। उसमें जो वफाक ने मेंबर रिसेंटली अपॉइंट किया था वो भी नाकाम तरीन है, उसको भी आप फारिग कर दें, ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैरान कन तौर के ऊपर। लेकिन मामला ये है, ये सिंध पंजाब की मबैन पानी की तकसीम का तनाज़ा की वजह से हम कालाबाग डैम नहीं बना सके। इस तनाज़े की वजह से, इत्तफाक़ राय ना होने की वजह से सूबों को नुकसान भी हो रहा है, हमारी GDP भी मुतासिर हुई है, और एक अंदाजे के मुताबिक हम 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान कर चुके हैं गुज़श्ता 15 से 20 सालों में, सिर्फ पानी की मुनसिफाना तकसीम और जो एक पानी की तकसीम का तनाज़ा है। कालाबाग डैम का क्या तनाज़ा है कि सिंध के हिस्से का पानी पंजाब चोरी कर लेगा? जब आप एक जदीद सिस्टम लगा चुके होंगे तो कोई एक बूंद भी आपकी पानी नहीं चुरा सकता, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो वफाक एक लीडिंग रोल प्ले करके इस तनाज़े को हल कर सकता है वो नहीं कर पा रहा। रिसेंटली मुश्तरका मफादात कौंसल की सरबराही हिदायत के ऊपर एक कमेटी बनी है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, ताकि आइन और कानून की रोशनी में इस मामले को निपटाएं। 29 सितंबर को उसका इजलास होना था, पंजाब ने उस इजलास का बायकॉट कर दिया, इसलिए कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को इस इजलास में इनवाइट किया गया था, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खत लिखा है जिसमें से मुराद अली शाह साहब को भी निकाल दिया गया है, वज़ीर आला बलोचिस्तान को भी निकाल दिया गया है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी निकाल दिया गया है। अब उन्होंने कहा जी कि अब वज़ीर आला इसमें शरीक नहीं होंगे, नई कमेटी बनेगी, वज़ीर आला अपने नुमाइंदे भेजे, वो बैठ के इस मामले को हल करेंगे। तो मामला ये है, इंक्वायरियां बहुत हो चुकी, रिपोर्ट भी सोचने की बात ये है कि ये मसला, ये तनाजा, ये दुश्मनी हमारी कोई भारत के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है, ये सिंध और पंजाब का तनाजा पिछले 30 साल से चल रहा है और अभी तक हल नहीं हुआ, अभी भी हल तलब है, मुस्तकबिल में भी इसकी कामयाबी के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मामला कब हल होंगे,
क्या हुकूमत एक होगी तब हल होंगे। खावर साहब आपकी जानिब आता हूँ, अभी जो सिंध और वफाक के माबैन एक तनाज़ा चल रहा है वो तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे चल रहा है, उसके साथ साथ आइलैंड्स पे चल रहा है। तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई गवर्नर सिंध की वज़ीर आज़म से, उसका अभी कोई आसार दिखाई दे रहा है, उस पर कोई पेशरफ्त होती दिखाई दे रही? मैं तो पहले यासिर थोड़ा सा पानी की लड़ाई की मुख्तसर सी तारीख बयान करूँगा कि ये लड़ाई 30 साल से नहीं है, ये अंग्रेज़ों के दौर से, अंग्रेज़ों के दौर में भी ये 100 साल पुरानी लड़ाई है। अंग्रेज़ों के दौर में भी सिंध और पंजाब के माबैन तनाज़ात थे, जिसके लिए कई कमेटियाँ बनी और कई कमीशन बने जो नतीजा खेज साबित नहीं हो सके, और उनकी उनको हेड भी अंग्रेज़ कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे कर रहे थे। फिर 1960 में जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद 1960 में सिंध ताश मुआहदा हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने कराची में अयूब खान के साथ बैठकर मुआहदे पर दस्तखत किए। 19 सितंबर को इस मुआहदे के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर के तनाज़ात ख़त्म नहीं कर सके। असल में एतमाद का फुकदान है और एक दूसरे पर एतबार नहीं है। हम 74 सालों में आपस में तनाज़ात, पानी के तनाज़ात हों, इराजियों के तनाज़ात हों, मुख्तलिफ़ वसाइल के तनाज़ात हों, NFC अवार्ड्स हों, इस तरह के मसाइल पर हम एक दूसरे पर शक व शुबे की नज़र से देखते रहते हैं। अब आपने उसकी बात की, गवर्नर साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात की, कि 1100 अरब का पैकेज दिया गया, उस पर काम का आगाज़ हो रहा है, उसमें मुश्किलात ज़रूर हैं। एक तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वज़ीर आज़म ने जब ऐलान किया तो बताया नहीं गया कि ये 1100 अरब रुपए कहाँ से आएंगे, कौन कितने देगा, किसका कितना शेयर होगा, और इसमें सिंध हुकूमत क्या देगी। तो इसलिए इसकी वजह से चय मुगैयाँ हुई और बहुत सारे मामलात बाहर आए कि ये लोगों ने शकूक व शुबात का इज़हार किया कि ये मसाइल हाल ही नहीं होने। अब ये हुआ है कि वज़ीर आज़म इस मामले पर संजीदा हैं और वो नहीं चाहते कुछ लोगों की कोशिशों के बावजूद भी कि सिंध के साथ मामलात ख़राब किए जाएं। वो मुराद अली शाह से उन्होंने कहा कि आप बैठकर सिंध हुकूमत के साथ मामलात तय करें, इस कराची पैकेज पर भी बात करें, और जज़ायर जो ये बंडर और जज़ायर है, ये और बुड्डो जज़ायर है, इस पर मिल्कियत हमेशा से सिंध की तस्लीम की गई है। विद इन सिंध एक मामला है थोड़ा सा कि सिंध का दावा है कि ये हमारी मिल्कियत है, जबकि पोर्ट कासम अथॉरिटी के साथ उसके मामलात चल रहे हैं, कोर्ट में भी हैं कि वो पोर्ट कासम की अथॉरिटी कहती है कि ये हमारी है। उस लिहाज से पोर्ट कासम एक वफाक की नुमाइंदा है चूँकि, इसलिए वफाक की बात होती है। तो अब जब जज़ायर की बात हो रही है तो एक मशरूत हवालगी का लेटर दिया था इन्होंने कहा था कि इसमें ये चीज़ें रखें तो हम ये एराजी आपको तामीरात के लिए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आर्डिनेंस आया तो सिंध उस पर वो थोड़ा सा रिजर्व हो गए, और अब भी वो बात इसलिए नहीं कर रहे कि जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं होता तब तक बात नहीं हो सकती। राणा साहब क्या समझते हैं कि सिंध और पंजाब की पानी पे लड़ाई हो, जिस तरह के खावर साहब ने बड़ी डिटेल में बात की है, वफाक और सिंध की लड़ाई हो, ये मसले कब हल होंगे? तब हल होंगे कि जब सिंध, पंजाब और वफाक में एक ही पार्टी की हुकूमत होगी? नहीं, उस वक्त नहीं होंगे। क्या एक पार्टी की हुकूमत नहीं रही? आप क्यों बोल रहे हैं? इसी सिंध में, सिंध और पंजाब में एक पार्टी की हुकूमत भी रही है, वफाक में भी एक पार्टी की हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की पंजाब में हुकूमत रह चुकी है। उस वक्त सिंध में भी थे, उस वक्त वफाक में भी थे, और ख़ासकर वफाक में जब पीपल्स पार्टी थी तो सिंध पंजाब के अंदर भी उनके बहुत से उनके पास मशरूत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हुकूमत थी जिसमें वो उसके इत्तेहादी थे। तो ये सारा कुछ था। बात मामला ये है कि ये जो हम पानी का तनाज़ा कह रहे हैं ना, ये जो डैम की बात कर रहे हैं, अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर ये मामला नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनने देती। उन कुव्वतों के किन किन सियासी जमातों के अंदर कौन कौन से वाबत हैं, अगर हकीकत हम जानना चाहें, या आप सिर्फ इसे पंजाब और सिंध की ना बात करें, ये भट्टी साहब इस बात की तस्दीक करेंगे, खावर साहब भी करेंगे, तो फिर बहुत से डैम्स पर खाली पंजाब से, सिंध से नहीं, बलोचिस्तान से KPK से आवाज़ें क्यों उठती हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें वहाँ से क्यों बातें करती हैं, बलोचिस्तान से क्यों आवाज़ उठती है? तो ये सोचना होगा कि इनके पीछे क्या है। आप जेहन ये पाकिस्तान के अंदर डैम बनने के हवाले से एक बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो भारत करता है,
बहुत बड़ी फंडिंग, और फंडिंग सिर्फ होती इसलिए है कि ये चाहे वो अरसा के लोग हों चाहे वो कोई और लोग हों, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इन डैम्स के खिलाफ जो है वो एक राह हमवार करानी है। इस पर एक रिपोर्ट भी आ चुकी है और इस रिपोर्ट को तमाम टीवी चैनल्स पर डिस्कस भी किया जा चुका है। तो ये मसले हल उसी वक्त होंगे जब तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर यह फैसला कर लेंगी कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। जब पाकिस्तान के लिए करने की बारी आएगी तो कोई भी डैम मुतनाज़ा नहीं होगा, ये यासर बिल्कुल एक क्लियर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सब पाकिस्तान के लिए नहीं करते, कुछ पाकिस्तान के लिए करते हैं तो कुछ जो है वो अपनी ज़ात का नारा या सूबाई असबियत का नारा लगाकर इन चीज़ों को मुतनाज़ा बना देते हैं। आज पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत अगर डैम बना होता, आज बिजली की किल्लत, पानी की किल्लत, ये सारी किल्लतें दूर ना होती, बंजर ज़मीनें सैराब ना होती, पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है हमें बाहर से जो खरीदना पड़ रहा है सारा कुछ ये ख़त्म ना हो जाता तो, और पाकिस्तान खुशहाल ना हो जाता तो पाकिस्तान की खुशहाली कौन नहीं देखना चाहता, ये आपको ज़हन में रखना होगा। जो नहीं देखना चाहता वो किस तरीके से किन को इस्तेमाल करता है वो आपके सामने है, और ये अगले आने वाले दिनों में भी ये सब कुछ होता रहेगा। ये अगर आप कहें कि ये ख़त्म हो जाएगा ऐसा मुमकिन नहीं है। अब बहुत से फैसले ऐसे हैं जो बहुत से हुक्मरानों ने ना होने के मौसम जिनके मतलब कहा गया था ये फैसला कोई सूबा नहीं मानेगा, जब फैसला करने का वक्त आया और जब उसे मनवाने का वक्त आया क्या नहीं मनवाया गया? अगर मैं समझता हूँ कि ऐसे दौर जिन दौरों में आप कह सकते हैं जी कि आमरियत थी, या जिस दौर में आप कह सकते हैं जी फौजी हुकूमत थी, क्या उन दौर उस उन अदवार में ये काम नहीं हो सकता था? आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ें कहाँ से उठती हैं? सुबह यस्बियत के हवाले से। ये नहीं होना चाहिए, ये डैम दे दें, कालाबाग डैम का नाम तब्दील कर देना, उसका नाम सिंध डैम रख दें, केपीके डैम रख दें, जो किसी को इतराज़ है उसे दूर करें, इतराज़ दूर करके डैम बनने चाहिए, कालाबाग डैम बनना चाहिए, बाकी डैम बनने चाहिए, हर सूबे को यह एहसास दिलाना चाहिए कि इससे उनके लिए बेहतरी होगी तो ये पानी का तनाजा हल हो जाएगा। यानी कोई ऐसा मसला नहीं, हुकूमत जो है वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, जब मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होता है तो आप मुश्तरका तौर पर बैठते हैं मुल्क कौम की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, तो उसमें ऐसे फैसले करने चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज़ पर बैठे हों और मुश्तरका तौर पर एक फैसले पर इत्तफाक़ किया जाए और उसी फैसले को लागू किया जाए। जब आप मुल्की मफादात से हट जाते हैं, जहाँ पर ज़ाती मफादात आ जाते हैं, जहाँ पर लसानी मफादात आ जाते हैं, वहाँ पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। भट्टी साहब, क्या लगता है कि मुश्तरका मफादात पर ये तमाम जमातें अगले 10 बरस में, 15 बरस में कभी भी इकट्ठी हो सकती? यासिर, देखिए होना चाहिए। बहुत से ऐसे मामलात अगर माजी में करीब में आप नजर दोहराएं, जब सियासी जमातों के अपने मफादात सामने आए तो वो सर जोड़कर बैठी, जब इनको पता था कि 18वीं तरमीम में हमने सबने अपना अपना हिस्सा लेना है, हमने किसी ने कहा कि कुदरती वसाइल का हिस्सा लेना है, किसी ने कहा कि मैंने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आपको याद होगा कि सब लोग बैठे, सर जोड़कर बैठे और एक दूसरे की वो बातें जो किसी आम हालात में कभी मानने को तैयार नहीं होते लेकिन उस वक्त इन्होंने मानी और आईनी तरमीम हुई। तो जब मुल्क की आप बात करेंगे, मुल्क की मफाद के लिए सब सर जोड़कर बैठेंगे तो आजकल के दौर के अंदर हर मसले का हल मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है। आप एक सिंपल सी बात है, केपी की है, बलोचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, सबके जो तहफ़ुज़ात हैं, सबकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप सामने रखें, एक्सपर्ट बिठाएं, उसका टेक्नोलॉजी की रोशनी में उसका सोल्यूशन मौजूद है। तो अगर उसका फ़ायदा मुल्क को होना है तो फिर वहाँ बैठ के ये अहद करें कि हमने मुल्क के मफाद के लिए सब कुछ कर गुजरना है। मामला ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ मुख्तलिफ शख्सियात को इस बात के ऊपर उकसाया जाता है कि आप इस बात के ऊपर सियासत करें। जब मुल्की मफाद के ऊपर सियासत शुरू हो जाए तो बदकिस्मती के साथ उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, उसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। और इस वक्त वो हमारे कौमी मफाद के मंसूबे जिनके ऊपर किसी सूरत सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, सूबाइत हमें ले डूबी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शख्सी तौर पर ख़ुद को मुकदम रखना चाहते हैं और जो पाकिस्तान है, जो मुल्क है, जो वतन है, जो अपनी मट्टी है, उसको पसे पुश डाल देते हैं। होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन वो होगा कब? तभी होगा कि जब लोग अपने ज़ाती मफादात को एक साइड पर रखकर मुल्की मफाद पे बात करेंगे तो ये कौम भी साथ देगी, अवाम भी साथ देगी, बेहतरी के फैसले भी हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और सईद खावर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।